नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 4 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 10 लघुत्तम समापवेत पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का स्टूडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपनी कक्षा और विद्यालय में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। पाठ का सार: प्रस्तुत पाठ लघुत्तम समापवर्त दो या दो से अधिक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने पर आधारित पाठ है। इसमें गणित विषय के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता: इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में लघुत्तम समापवर्त की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू करते हैं। इसके लिए क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय देना पड़ता है। इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश: गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने लघुत्तम समापवर्त पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले शिक्षक सभी विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित एक या दो अंकों वाली संख्याओं को पर्ची पर लिख के लाने के लिए कहते हैं। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से ही सजवाते हैं और उसको शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा लिखे गए संख्याओं को पर्चियों में सारी पर्चियों को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से दो पर्चियां निकालने के लिए और पर्ची पर लिखी संख्याओं को पढ़ने और उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करके बताने के लिए कहा जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आता है, दो पर्चियां निकालता है। माना कि पर्चियों में 9 तथा 12 लिखा हुआ है। विद्यार्थी पर्ची देखकर संख्याओं को और महत्तम उनके महत्तम समापवर्तक बोलता है, जैसे 9 12। 9 तथा 12 का लघुत्तम समापवर्त 36 होता है। इस प्रकार सभी विद्यार्थी बारी बारी से आकर पर्ची निकालते हैं और पर्ची पर लिखे गए संख्याओं को पढ़कर उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त बताते हैं और कॉन्सेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों द्वारा नहीं बता पाने की स्थिति में शिक्षक लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने में उनकी मदद करते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जान लें। शब्द सागर गतिविधि पाठ से संख्याओं का चुनाव करके उन्हें पर्चियों पर लिखने और उसे विषय वस्तु के साथ जुड़कर बोलने से कॉन्सेप्ट समझने और स्मरण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। छात्र अपने परिवेश में संख्याओं की संक्रियाओं पर विभिन्न तरीकों से दैनिक जीवन में उपयोग करना, मिश्रित संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हल करना, भाग तथा गुणा को हल करना, अपवर्त अपवर्तक महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखते हैं। छात्र आसपास और अपने परिवेश की विभिन्न जानकारियां संकलित करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। विषय वस्तु से जुड़े नए शब्दों को संकलित करते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होने से और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से NCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार से विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और शिक्षक प्रस्तुत पाठ लघुत्तम समापवर्त को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर माह में पढ़ाते हैं।
और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए कक्षा में पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप जेट आईआईए के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो जेट आईआईए के Facebook पेज को लाइक करें। और यदि आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।